जय हिंद दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे कमांडो फिशिंग चैनल पे। तो दोस्तों, आज ये अपडेट वीडियो होने वाला है जो कि आपका कंपटीशन होने जा रहा है सोनापुर आपका धमाई नरताप। तो वहीं जा रहा हूं आज वीडियो बनाने के लिए, और जो पहले मैं कवर करूंगा अपना रूट, फिर मैं कवर करूंगा जो लोकेशन में तालाब कैसा है, और जो तीसरा पॉइंट रहेगा मेरा अपना रूल और रेगुलेशन, क्योंकि जो मेरे को आपका पोस्टर मिला है उसमें रूल और रेगुलेशन नहीं लिखा, वही बताएंगे अभी। तो मैं रूट बताना चाहता हूँ, रूट तो आपका तीन चार है, तो तीन चार है। तो मैं जो रूट यूज़ कर रहा हूँ, मैं रहता हूँ नारंगी, तो नारंगी से मैं आऊँगा तो नारंगी पत्थरबाड़ी, फिर उसके बाद आएगा सतगाँव। रास्ता भी बहुत ख़राब है, पत्थरगढ़ी फिर उसके बाद सतगाँव। तो सतगाँव से होते हुए अपना आर्मी कैंप, तो आर्मी कैंप से होते हुए जाऊंगा मैं अपना दिगारू जो रोड है वहां से होते हुए निकलूंगा अपना दिगारू एयरफोर्स कैंप। तो वहीं पर आपको मिलेगा सोनापुर मार्केट, तो सोनापुर मार्केट से होते हुए मैं आप लोग बाद में वहाँ से दिखाऊँगा, क्योंकि आप लोग को मालूम नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा जानकारी करना है तो आप लोग को मैं लोकेशन दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे भाई लोग जो भाई ट्रेन आना चाहता है तो उसके लिए आपका नज़दीक अपना रेलवे स्टेशन है दिगारू स्टेशन, करीब वो लोकेशन तक होगा 16 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं और आप लोगों को रूट दिखाता हूँ। तो आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा मैडम जा रहा है, तो जय हिंद बोलता मैडम को, तो वो शर्मा रहे हैं जय हिंद बोलने के लिए। बट मैं कहीं जाता हूँ मछली पकड़ने के लिए तो बहुत हल्ला करता है, बट मेरे को पता नहीं है आप लोग का हल्ला करता नहीं करता, बट मेरे का तो बहुत हल्ला करता है। तो दोस्तों, आप लोग का मैडम लोग आपको सपोर्ट करता है नहीं करता तो कमेंट में लिखिएगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। तो अभी धान काटने का पूरा मौसम आ गया है, पूरा धान कटाई हो रहा है। तो ये धूम पिक्चर का हीरो है। तो दोस्तों, अभी देखो मैं पहुंच गया हूं अपना दिगारू मार्केट। ये रास्ता है अपना आर्मी कैंप से आने वाला, और यहां सीधा जाओगे तो सोनापुर मार्केट। तो अभी मैं जाऊंगा पहले अपना दिगारू स्टेशन, तो पहले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को दिगारू स्टेशन, फिर उसके बाद जाएंगे हम सोनापुर नरताप। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ऑटो सब खड़ा रहता है यहाँ पर, तो आप आने से यहाँ पर ऑटो का कोई कमी नहीं है, आप लोगों को ऑटो मिल जाएगा। तो आप लोगों को एक नज़ारा दिखा देता हूँ रेलवे स्टेशन का। तो अभी तो यहाँ पर मालगाड़ी लगा हुआ है, तो यही है आपका दिगारू रेलवे स्टेशन। तो यहाँ ड्राइवर लोग से पूछ लेता गाड़ी मिलता कि नहीं मिलता सुबह सुबह। दादा, यहाँ आने से मतलब ट्रेन में मतलब गाड़ी यहाँ पर खड़ा रहता है क्या? ऑटो कितना बजे तक खड़ा रहता है? मतलब सुबह मिलता है? सुबह मिलता है? कितने बजे से यहाँ पर खड़ा रहता है सब ऑटो लोग? 5-6 बजे। अच्छा, मिल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक है, थैंक यू भैया। तो दोस्तों, ये है आपका दिगारू मार्केट। तो स्टेशन से बाहर निकलते हमने लेफ्ट साइड जाना है। तो ये सोनापुर मार्केट का ये सारी अली है, तो मैं अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये नेशनल हाईवे है, तो ये खानापारा से आने वाला रास्ता है। खानापारा से जाओगे तो यहाँ पर नौगांव साइड, और हम सीधा जाएंगे तो आपका सोनापुर मार्केट। तो आप लोग जो यहाँ नौगांव से आओगे तो आप लोग को यहाँ लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा आप लोग को अपना सोनापुर मार्केट। अगर गुवाहाटी से आते हो आप लोग तो आप लोग को राइट जाना है। अभी हम लोग चलते हैं सोनापुर मार्केट। तो यहाँ पर भी राख पूजा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये सिंबल है आपका राख पूजा का। तो आप लोग आने से यहाँ लेफ्ट टर्न कर देना जो नौगांव से आ रहा है। तो ये है मार्केट, रास्ता बन रहा है अभी।
रास्ता और दो तीन है रास्ता, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला रास्ता यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बोला शॉर्टकट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से लेफ्ट टर्न करूँगा अभी मैं, तो ये यहाँ भी रास्ता है, जो ये भी गुवाहाटी से आता है रास्ता, यहाँ से गुवाहाटी, तो यहाँ सीधा जाओगे सोनापुर मार्केट के यहाँ पर। तो ये ब्रिज देख लो आप लोग, ये दिगारू नदी है, ये आता है मेघालय से पानी। ब्रिज पार होते ही आप लोग दोस्तों आपका सोनापुर सर्कल ऑफिस मिलेगा, ये है सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस से हम लोग को 100 मीटर आगे में हम लोग जस्ट स्लाइट राइट टर्न करना है, हमने यहाँ राइट टर्न ले लिया अभी। तो यहाँ से करीब हम लोग को अभी जाना है 10 किलोमीटर। तो दोस्तों नरताप जो कॉलेज है वहाँ से आपका यहाँ तक करीब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर फिशिंग कंपटीशन का। तो ये यहाँ से आओगे आपका बोरुंडी हट, तो ये बोरुंडी हट से रास्ता ये है। तो अभी चलते हैं अंदर जहाँ पर कंपटीशन हो रहा है लोकेशन में। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच गया हूँ लोकेशन में, जो आपका सोनापुर मार्केट से जो यहाँ धेमाई करीब 10 किलोमीटर है, और जो ये रोड मैंने जो यूज़ किया था सोनापुर टू अपना बोरुंडी हट, तो ये जो रास्ता देख रहे हो आप ये बोरुंडी हट निकल जाता है। तो आप लोग जो गुवाहाटी से आ रहे हो वहाँ बोरुंडी हट से भी आ सकते हो, तो वहाँ से भी शॉर्टकट पड़ता है, रोड बहुत ही बढ़िया है। और जो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पोस्टर मिलेगा, तो यहीं पर ये जो रास्ता है कच्चा वाला, यहाँ से जाओगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा जो तालाब। तो अभी दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर फर्स्ट प्राइस आपका 5 लाख और जो सेकंड प्राइस है 2 लाख, थर्ड प्राइस आपका 1,50,000 और जो फोर्थ प्राइस है 1 लाख और फिफ्थ को भी 1 लाख और जो 6 और 7 है 50,000 और जो कंसलेशन प्राइस है 1 से लेके सीरियल नंबर 27 10,000 करके मिलेगा। और इसका जो एंट्री फीस है वो आपका 3,000 करके, और जो टाइमिंग है आपका 9 बजे से 2 बजे तक होगा, और जो डेट है आपका 30 नवंबर 2024। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये जो दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसमें कुछ लिखा नहीं रूल और रेगुलेशन। तो दोस्तों अभी जो पोस्टर लगा हुआ है वहाँ से करीब आपने 200 मीटर आना है, तो आते ही आप लोग को पार्किंग एरिया मिल जाएगा वहाँ पर, तो पार्किंग एरिया बहुत बढ़िया है। तो आप लोग आने के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पार्किंग कर सकते हो यहाँ से जाके ये ग्राउंड में। तो भैया यहीं पर वेटिंग कर रहे हैं मेरे लिए यहाँ पर, तो मेरा मैडम भी बोल रहा था चलो चलो मैं भी चलता हूँ, तो इसलिए आज मैडम को लेके आ गया। तो आप लोग ज़्यादा मेरा मैडम में ध्यान मत दीजिए, आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए। तो अभी यहाँ ताला लगा हुआ है गेट में, तो अभी भैया ताला खोलेंगे। अच्छा ताला तो हम लोग पार होके जाना पड़ेगा, तो चलते हैं पार होके। तो यहाँ पर आप लोग पार्किंग करने के बाद यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा आप लोग को। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये मछली यहाँ पर ये कैसे खा रहा है, देखो ये ग्रास कप, तो ये मछली लोग खा रहे हैं अभी पत्ता। अभी मैं देखता हूँ कितना बड़ा है ये मछली, वो देखो पत्ता कैसे हिला रहा है, मछली सब ऊपर ही घूम रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ एक सांप भी आया हुआ है, और ये देखो मछली कैसे घूम रहा है मछली। वेट करो थोड़ा सा दोस्तों, अभी मछली ऊपर आएगा, देखो मछली कितना बड़ा बड़ा है, ये देखो कहाँ घूम रहा है सब इनका ग्रुप, पूरा मछली घूम रहा है। ये देखो दोस्तों कैसे ग्रुप घूम रहा है, कितना बड़ा बड़ा ग्रास कप है दोस्तों, दिखा दे रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों को लोकेशन ये अंदर एंट्रेंस होते ही ये लोकेशन है, आप लोग यहाँ पर भी बैठ सकते हो। तो मछली एक जगह नहीं रहता, पहली बात तो सब घूमते रहता है,
ये देखो दोस्तों, इनका ग्रुप देखो कितना बड़ा बड़ा है। देखा दोस्तों कैसा खींच रहा है। ये देखो ग्रुप पूरा चारों तरफ मछली बड़ा बड़ा। और ये तालाब कितना गहरा है भैया? वो नीचे अंडर का हाँ है, कितना डिप्थ है? किनार में तो वो 4 फुट, 4 से 5 फुट हो सकते हैं, 20 में तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो जो 20 में तो 10 से शायद 8 से 10 हो जाएगा। अच्छा अंदर बीच में? हाँ बीच में। अच्छा अच्छा, पहले तालाब दिखा देते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा यहाँ पर मछली कौन सा है, भैया से पूछेंगे, और यहाँ पर कितना मछली रिलीज किया है वो भी देखते हैं अभी आप लोगों को। तो पहले तालाब दिखा देते हैं। आपके पास दाना है क्या? दाना, मछली का दाना देने वाला? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कोई नहीं दिया। नहीं, थोड़ा देने से ना मछली दिखा सकता था व्यूअर्स को। नहीं, नहीं आपका दाना वो मतलब ये रखने से ना ज्यादा बोलता है वो आदमी लोग, दाना देता है ना क्या बोल के, हम लोग कुछ नहीं रखा। अच्छा, अभी तो कोई दाना नहीं दिया। अच्छा, नहीं दाना नहीं दिया, फिर तो बहुत मछली खाएगा दबा के। तो दोस्तों ये है आपका ये वाला तालाब, एक साथ में जुड़ा हुआ है तालाब, यहां से ज्वाइन है। तो इस टाइप का बना हुआ है, सी टाइप का। दोस्तों देखो मेरे नजदीक घूम रहा है मछली, देखो कैसे ग्रुप घूम रहा है इनका। पानी भी बहुत साफ है। चलो देखो कैसे भागा, ऐसे करने से भी भागता नहीं रे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये भैया लोग उठा दिया है अभी सुबह सुबह, ये पूरा केला का पत्ता, कितना केला का पत्ता उठा दिया, देखो कितना केला पत्ता खाया। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा एकदम ग्रास कप है। ग्रास कप कितना बड़ा बड़ा है भैया? ये आपका 2 किलो से 2.5 किलो। 2 किलो से, पर मतलब टारगेट वही भुकवा लेना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया। तो दोस्तों एक बार ये लोकेशन दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखो लोकेशन। तो इस टाइप का है ये तालाब, आप लोग अपना चॉइस से बैठ सकते हो यहाँ पर। तो लोकेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों अभी आप लोगों को तालाब दिखा दिया है, तो अभी जो कंपटीशन होने वाला है आपका नर्ताप, आपका धेमाई, तो यहाँ पर कंपटीशन होने जा रहा है आपका 30 नवंबर 2024। तो बहुत ही अच्छा प्राइस दिया है यहाँ पर, जो फर्स्ट प्राइस है 5 लाख। तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ प्राइस का किस हिसाब से होगा, और ज्वाइन फीस भी बता दिया आप लोगों को 3000 करके होगा, और जो कॉम्पिटिशन का टाइम है 9 बजे से 2 बजे तक होगा। तो अभी भैया से कुछ बात करते हैं हम लोग, अमल रोहांग भैया का नाम है, तो अभी भैया से बात करते हैं। तो भैया ये लोकेशन के बारे में बता दो एक बार, कहाँ से आ सकते हैं हम लोग? जैसे आपको सन्नापुर बालूगेट से भी आने सकता है। हाँ, ये बोनीहाट से आएगा तो फुटबॉल ग्राउंड से ना, उसमें भी आप आने सकते हैं बोनीहाट से। अच्छा, और बोनीहाट से अगर घुस जाएगा एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज से लेप करके घुस के आने होगा। जो गुवाहाटी से आ रहा है कोई? मेघालय से आ रहा है। हाँ, मेघालय से आने वाला लोग अगर ये ब्रिज पार करके, वो नया रोड बनाए है, ये नया रोड से सीधा आने से एक ही रोड है और दूसरा रोड नहीं है। ये रोड का आते 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 बोनीहाट से आपका 4 से 5 किलोमीटर का ये उसमें मिल जाएगा लोकेशन, ये फिशरिंग का लोकेशन। और सोनापुर से आने से आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा, वो 7 किलोमीटर। तो उसमें से आपका लेफ्ट और राइट का साइड हो फिशरी, वो मैं दिखा दिया अभी। लोकेशन, लाइव लोकेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, जो करंट लोकेशन है यहाँ का, ठीक ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं ये। और दोस्तों ये जो रेल से आएंगे तो नियरेस्ट जो स्टेशन है आपका डिगरू स्टेशन, डिगरू। हाँ, हाँ, तो मैंने वो भी आप लोग को दिखा दिया है। हाँ, तो आप लोग को वहाँ पर गाड़ी मिल जाएगा, ऑटो स्टैंड भी दिखा दिया आप लोग को। और जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अपना दीमापुर से आ रहा है, कोई शिवसागर से आ रहा है, कोई यहाँ गोलपरा से आ रहा है, तो उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था? नहीं नहीं नहीं, पेंडल है ऑलरेडी, पेंडल है। अच्छा, पेंडल है यहाँ पर। हाँ, लोग रहने के लिए हम लोग को जगह दे दिया। अच्छा, दे दिया ना, वो बना देगा हम लोग। अच्छा, अच्छा से वो दूर से आने वाला लोग को ले, 300 मत लेना, हम लोग पेंडल ऑलरेडी वो लोग को ले इंतजार कर रहे हैं, हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। और खाना पीना? खाना पीना तो शायद वो लोग, यहाँ कोई कैंटीन नहीं होगा? कोई कैंटीन हो जाएगा। अच्छा, कैंटीन होगा, कैंटीन होगा। ठीक है, कैंटीन हो जाएगा।
कैंटीन हो जाएगा ना, बढ़िया है। और जो आप लोग जो टिकट दे रहे हो ऑनलाइन, वो कब से स्टार्ट होगा? ये 25 से, 25 से ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका प्रोसेस कैसा है, मतलब पेमेंट कर देगा? और जो टिकट कैसे, यहाँ आके लेना पड़ेगा टिकट? यहाँ हम लोग अगर ऑनलाइन लगेगा तो हम लोग उन लोग को व्हाट्सएप में भेज। अच्छा, व्हाट्सएप में भेज, कूपन नंबर भी, टिकट नंबर हम लोग ये व्हाट्सएप में भेज देगा उन लोग को ले। अगर ये कूपन नंबर हम लोग का जगह बुकिंग करने वाला, हम लोग का 25 नहीं है, वो 29 से करवा देगा। 29 से बुकिंग होगा जो ये सीट है स्लॉट वाला। तो उसको कैसे मतलब आप करोगे यहाँ पर कूपन? वो लोग अपना अपना चुन लेगा। अच्छा, चुन लेगा तो यहाँ कूपन लगा देगा, कूपन ले लेगा। अच्छा अच्छा, अपना जो लोकेशन चॉइस। हाँ हाँ, एक कूपन अपना हाथ में रहेगा, एक कूपन इसका जगह का लिया हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका लिए तो 29 से दिया है। अगर दूर वाला, अगर सामने वाला हम लोग दे देगा, सामने वाला आके वो लोग बुकिंग करवा देगा, दूर वाला को प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, 29 से स्टार्ट करोगे आप लोग जो सीट बुकिंग अपना चॉइस का कर सकते हैं? चॉइस कर नहीं सकते अपना। अच्छा, तो भैया ये जो तालाब है आपका, तो ये आपने बोला 6 बीघा, तो इसमें मच्छी कितना है आपका? मच्छी हम लोग का नया ढाला है, 7 क्विंटल का ऊपर ढाला है। अच्छा, और पहले का मछली? पहले का मच्छी तो है, पुराना वाला मच्छी बहुत बड़ा बड़ा है। अच्छा, आपका फर्स्ट मिलेगा ये कटला मच्छी। कटला मछली, हाँ। कितना बड़ा करीब होगा आपका? 2 से 15 kg तो हक सकता है। इतना बड़ा? इतना बड़ा है, भरी बाप। 10 kg प्लस है, शीतल भी है। अच्छा, आपका 3 में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा आपका मिर्का। अच्छा, मिर्का, मिर्का शायद 6 kg से 7 kg तक है। बहुत बड़ा बड़ा मछली है तो। हाँ, तो बढ़िया, मतलब बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। और ये भैया, आप आदमी लोग पूछते हैं जो ये कॉम्पिटिशन में मछली उठता है, तो ये लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं, लेके जाओ। जो प्राइज जो जीता है वो भी लेके जा सकता है, जो हारा है वो भी लेके जा सकता है ना? हाँ, ये बढ़िया किया आपने। मछली मिला है खुद का, वो लोग जो कैंडिडेट होगा इसका लिए होगा। अच्छा, मछली भी ले जाओ, पैसे भी लेके जाओ, ऐसे हम लोग का ले। अच्छा, बढ़िया है। और एक ये पॉइंट पूछना था मेरे को, जैसे मतलब बाई चांस समझ लो यहाँ पर आदमी कम हुआ, हाँ, तो आप लोग का ये प्राइस जो मनी है जो 5 लाख, ये सब कम होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का अभी तो शायद कम नहीं करेगा। हाँ, हम लोग जो खेल है वो सब चला कर रहेगा। नहीं, आदमी अगर बाई चांस कम हुआ तो, वो पूछ रहा हूँ मैं, अगर कमती हो जाएगा तो शायद वो हम लोग का ले, वो डिसीजन बाद में कमेटी डिसीजन लेगा, ले लेगा हम लोग। अच्छा, ये डिसाइड करेगा जो कि इतना कमती करना है, वो तो शायद हम अकेला तो बात, हाँ, अकेला नहीं कर सकता आप, डिसाइड करने नहीं सकेगा। ठीक है, बढ़िया। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है जो मेरा तरफ से वो आदमी तो बहुत होगा, क्योंकि मेघालय का आदमी बहुत है यहाँ पर, हो ना हो हम लोग को चलाने के लिए वो बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जो फिशिंग कॉम्पिटिशन होगा, जो आपने यहाँ पोस्टर में लिखा नहीं, तो ये 1 टिकट ऑल प्राइस है, 1 टिकट ऑल प्राइस, और ये फ्री स्टाइल भी है, फ्री स्टाइल है, तो कुछ भी खेल सकते हैं आप लोग। अच्छा, और ये दो दाना फेंकते हैं, वो सब पहले फेंक सकते हैं? ये नहीं, जो हम लोग जो चारा खेल होने का बाद में होगा। अच्छा, खेल होने के बाद में हम अपना चारा ही कर सकते हैं आराम से? चलो, वो 9 बजे का पहले हम लोग दाना, अच्छा पहले नहीं फेंक सकते, बाद में फेंक सकते हैं आराम से। चलो, बढ़िया। तो दादा, जो यहाँ पर आदमी हो जाएंगे बहुत सारा, तो अभी आप कितना कितना करके डिस्टेंस दोगे यहाँ पर? मैं तो सोचा 18 इंच दे देगा। 18 इंच ना, मतलब 1.5 फीट। तो यहाँ पर आप लोग अपना टिकट लगा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 1.5 फीट में आप लोग का टिकट लग जाएगा। तो आप लोग जल्दी ही अपना बुकिंग करें, तो 29 तारीख से आप लोग का टिकट लगाना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, ऑनलाइन जो बुकिंग करेगा। और जो ऑफलाइन है, अपना खुद टिकट लेके आप लोग अपना यहाँ लोकेशन में टिकट लगा सकते हो। तो भैया से बात करके बहुत बढ़िया लगा, और आप लोगों को कोई जानकारी लेना है तो आप लोगों को जो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद। भैया जय हिंद बोल दो। जय हिंद। तो आप लोग को बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ पर आके गेम करके, क्योंकि यहाँ पर मछली बोला है 10-10 kg का है। तो आप लोग आओ और बहुत मजा आएगा आप लोगों को यहाँ पर कॉम्पिटिशन करके। जय हिंद दोस्तों।